हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएन इंस्टीट्यूट मैथ्स बाय खान सर। आज हम करेंगे क्लास टेंथ मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स करेंगे। उसमें एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड करना है। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने पार्ट फर्स्ट करा दिया है और क्वेश्चन फर्स्ट भी कराए हैं मैंने। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे कर सकते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दें। इससे बेनिफिट ये है कि आपकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहेगी और मेरा कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, पार्ट सेकंड में क्या कहता है? कहता है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी वो सोनू से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी, ठीक है? कब? 5 साल पहले। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू से दुगनी हो जाएगी। कब? 10 साल बाद। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो आपको बताना है कि नूरी और सोनू की एज कितनी है अभी। तो हमें दोनों का प्रेजेंट एज नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। यहां लिखेंगे लेट दे प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स। कि नूरी की जो प्रेजेंट एज क्या है वो एक्स होगी। तो देन द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स। उसके हमने क्या मान लिया, वाई, यानी नूरी एज हो गई, एक्स हो गया एज, और सोनू की वाई हो गया। क्लियर? अब यहां लिखेंगे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं तो ए टी क्यू जरूर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें करते हैं, ठीक है? अब क्या कहता है, 5 ईयर्स एगो, यहां लिखेंगे 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या होगा, नूरी भी छोटी होगी और सोनू भी। यहां लिखेंगे एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स माइनस 5 ईयर्स, एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई माइनस 5 ईयर्स, ठीक है? नूरी भी छोटी 5 साल और सोनू भी छोटा 5 साल, ठीक है? तो यहां लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5, ठीक? तो अब देख सकते हैं यहां पे बीच में इक्वल का सिंबल है, बट दोनों तो इक्वल है नहीं, क्योंकि नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना बड़ी है, पहले ही कह रहा क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे भाई, नूरी तो बड़ी है, हम सोनू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि छोटा ही है, हमेशा छोटे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस में 15। इधर आ जाएंगे x माइनस 3y माइनस 5 इधर आके प्लस में 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y आपका 15 में से 5 गया प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या बन गया आपका, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है? ये इक्वेशन फर्स्ट आप इधर ले आए इसको, तो x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 5 गया 10 और प्लस का सिंबल बड़ा इसलिए प्लस आ गया इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हमने संभाल लिया। अब इक्वेशन सेकंड में क्या कहता है, कहता है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो यहां लिखते हैं 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद नूरी भी बड़ी हो जाएगी और सोनू भी बड़ा हो जाएगा, ठीक? तो 10 साल बाद जो है नूरी है वो दुगनी है, ट्वाइस है, किससे, सोनू से। तो नूरी तो पहले से बड़ी है, दो सोनू में लगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस में 10 इक्वल टू 2y प्लस में 20। तो x प्लस में आपके पास यहां ले सकते हैं 10 माइनस 2y और माइनस 20 इक्वल टू 0।
हम इनको एक साथ रख देंगे तो x माइनस टू वाई प्लस में 10 और माइनस में 20 इक्वल टू जीरो। तो आपके पास आया x माइनस टू वाई प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस में 10 इक्वल टू जीरो। और ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। हम लोग इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्यों? क्योंकि वो मेथड शॉर्ट भी है और यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देख सकते हैं कि एक डिजिट जो है बिल्कुल एक्स या वाई का एक जैसा आता है। एलिमिनेशन को मेथड का यूज ज्यादातर या तो क्वेश्चन में कहा हो या फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो और दोनों में से एक डिजिट बिल्कुल एक जैसी हो तब ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कैलकुलेशन आपकी शॉर्ट हो जाती है और आप जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड और वी गेट। ठीक है, हम सेकेंड में से फर्स्ट को करेंगे तो सेकेंड क्या है एक्स माइनस टू वाई माइनस 10। ठीक है, क्या लिखेंगे एक्स माइनस टू वाई माइनस 10 इक्वल टू जीरो। अब आप देख सकते हैं अगला क्या है एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 10। क्या लिखेंगे एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 10 इक्वल टू जीरो। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस एक जैसा है कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो तीन में से दो गया तो सिंगल वाई, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 20 इक्वल टू जीरो। तो वाई इक्वल टू आपका माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 20, यानी वाई आपके पास आ गया 20। वाई कौन था सोनू, यानी सोनू एज कितना हो गया, सोनू एज 20 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन सेकंड में भी, आंसर आपका आ जाएगा। यहां लिखेंगे आप पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20 इन दिस इक्वेशन। लो फर्स्ट में कर देते हैं, फर्स्ट क्या कहता है x माइनस थ्री वाई प्लस में 10 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस थ्री यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 20, ठीक, प्लस में 10 इक्वल टू जीरो। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 60 और प्लस में 10 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा x माइनस 50 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 50 ईयर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया x इक्वल टू 50 ईयर्स आ गया। तो 20 60 और माइनस किया 50 इक्वल टू 50 ईयर्स और आपके पास आया माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, थ्री में से दो गया आपके पास एक। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके पास ये आ गया 20 ईयर्स और ये आपके पास आ गया 50 ईयर्स। यानी कि हम बात करेंगे अगर सोनू की एज की, ठीक है, और हम बात करेंगे नूरी की एज की, तो नूरी सोनू जो है और ये नूरी सोनू और ये नूरी, तो सोनू आपके पास आ गया 20 ईयर्स और नूरी आ गया आपके पास 50 ईयर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और क्लियर भी हो गए होंगे आपके डाउट्स। इसी तरीके से हम बाकी भी क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग बाकी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।